हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे CAS परफॉर्मा जो कि UGC गाइडलाइंस के अनुसार है। और ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी साथियों ने पूछा है कि ये फॉर्म हमें किस तरीके से भरना है। तो क्योंकि हमें प्रोफेसरशिप के लिए फॉर्म भरना है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस फॉर्म को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये फॉर्म जो हमारे को UPHED ने प्रेषित किया है, ये सबसे ऊपर उसकी हेडिंग है। तो हम फोकस करेंगे प्रोफेसर स्टेज 4 जो कि एकेडमिक लेवल 13A से 14 में जाने के लिए है। तो जब हम अपना गजट देखते हैं UGC रेगुलेशन 2018, उसके पेज 79 पर मिनिमम API रिक्वायरमेंट दिया गया है फॉर द प्रमोशन ऑफ टीचर्स अंडर CAS इन कॉलेजेस, UG एंड PG कॉलेजेस के टीचर्स के लिए दिया हुआ है। तो अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज 4 से AGP 9000 टू प्रोफेसर स्टेज 5 AGP 10,000 की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमको रिसर्च स्कोर चाहिए यहाँ पर वो हमको 60 चाहिए अपने असेसमेंट पीरियड में। अब असेसमेंट पीरियड क्या है, ये सीधे सीधे मोटे तौर पर है कि प्रोफेसर जो है वो आपको मिलेगा आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो जो लोग पहले रीडर ग्रेड में आए हैं, रीडर ग्रेड उनको 9 साल पे मिल गया था, और जो एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं उनको 12 साल पे एसोसिएट प्रोफेसर मिल रहा है। तो इस गैप को भरने के लिए जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, वो जिस दिन वो एसोसिएट प्रोफेसर हुए हैं उस दिन से 3 साल का टाइम उनको देखना है, और जो रीडर थे वो जिस डेट में रीडर हुए हैं उसके 3 साल के बाद का 3 साल उनको देखना है। दैट मीन्स दे हैव टू कम्प्लीट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 12 साल से लेकर के 15 साल आपकी सर्विस का जो है वो टाइम आपका असेसमेंट पीरियड रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 2000 में मतलब 2000 में अगर कोई व्यक्ति रीडर बन गया था तो 2003 से 2006 जो है वो उसका असेसमेंट पीरियड रहेगा। यहाँ पे इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन की, तो पेज नंबर 82 पर यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहला है कि एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने 3 साल सर्विस में कंप्लीट कर लिए हों एकेडमिक लेवल 13A में, मतलब कि 12 साल के बाद का 3 साल समय यानी 15 साल उसके पूरे हो गए हों, उसके पास एक PhD डिग्री हो अपने सब्जेक्ट में, या कोई मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो सकती है, एलाइड सब डिसिप्लिन में कोई PhD होल्डर हो, मतलब आपकी PhD डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम आपके 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल्स में, जिसमें से कम 3 रिसर्च पेपर्स आपके आपके 12 साल से लेकर के 15 साल की जो सर्विस है उस बीच में आपके पब्लिश होने चाहिए, और जो मिनिमम यहाँ पे आपका रिसर्च स्कोर यहाँ तक होना चाहिए मतलब वो 110 होना चाहिए। तो आप कन्फ्यूज ना हो कि पीछे बोला था कि 60 ईयर्स चाहिए, 60 पॉइंट्स चाहिए असेसमेंट पीरियड में, और यहाँ पे 110 रिसर्च स्कोर की बात करें, तो मतलब ये है कि आपको 110 का आपका रिसर्च स्कोर होना ही चाहिए। और बाकी ये है कि जो कैटेगरी 2 है या 1 है, 1 और 2 में आपका जो ग्रेड है वो सेटिस्फैक्ट्री तो कम से कम होना ही चाहिए, और वैसे अधिकतर सबका गुड ही होता है। और एक यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होगी, अगर वो सिलेक्शन कमेटी अपने आपके लिए अपनी संस्तुति दे देती है या रिकमेंड कर देती है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा प्रोफेसर ग्रेड में। तो जो फॉर्म है हमारा उसके पहले पार्ट पर आते हैं जिसमें आपको पर्सनल डेटा देना है। तो सबसे पहले जो हमारे कॉलेज का फॉर्म है उसमें हमने ऑलरेडी प्रोफेसर स्टेज 5 पे हमने टिक कर दिया है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, आपको अपने फादर का, मदर का या हस्बैंड का नाम लिखना है, विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू। देन आपका सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट आप लिखेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, कॉलेज का नाम और एड्रेस हमने ऑलरेडी भर दिया है और वेबसाइट भी हमने भर दी है। इसके बाद NAAC ग्रेड हमने यहाँ पे भर दिया है पहले से, करंट डेजिग्नेशन और एकेडेमिक लेवल एंड पे, और यहाँ पे आपको अपने CAS प्रमोशन के सारे ऑर्डर्स आपको लगाने हैं जो आपके पहले जितने भी प्रमोशंस हुए हैं
उनके लेटर्स लगाने हैं और यहाँ पे आपको उनका एनेक्जर नंबर और पेज नंबर दोनों डालना है। पे की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग अपने ही सर्विस में हम लोग प्रमोशन ले रहे हैं और हमारा सैलरी फिक्सेशन जो होता है वो हमारी बेसिक पे के अनुसार होता है, तो यहाँ पे आप इसको बेसिक पे, क्योंकि वर्ड फाइल है तो आप इसको आराम से इसको यहाँ पे पे की जगह बेसिक पे करके और आप अपना यहाँ पे बेसिक पे जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। बाकी एकेडमिक लेवल 13A भर दिया है और अनेक्जर नंबर जो भी आपका अनेक्जर या अटैचमेंट नंबर आता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद है डेट ऑफ फर्स्ट जॉइनिंग एज अ रेगुलर टीचर। अब अगर आप ने जहाँ पर भी पहले जॉइनिंग करी थी वो जॉइनिंग डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो जॉइनिंग डेट है वो 20 जुलाई 2001 है, तो मैं लिखूंगी 20/07/2001। यहाँ पे आपको अपना जॉइनिंग लेटर लगाना होगा, मतलब आपने जो जॉइनिंग रिपोर्ट दी होगी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग वो आपको लगानी है। इसके बाद है विच पोजिशन इन एकेडमिक लेवल आर यू एन एप्लीकेंट अंडर CAS, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेवल 14। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन, जो भी आपकी डेट है मतलब आपके रीडरशिप को या एसोसिएट प्रोफेसरशिप को जहाँ 3 साल पूरे हो रहे हैं वो डेट आपको लिखनी है। मेरी डेट है 20 जुलाई 2016, तो मैंने वही डेट डाली है अपने फॉर्म में। उसके बाद ऑर्डर नंबर एंड डेट ऑफ लास्ट प्रमोशन इफ एप्लीकेबल, तो जो हमारा प्रमोशन हुआ था चाहे रीडर ग्रेड में हुआ हो या एसोसिएट प्रोफेसर पे हुआ हो, तो उसका एक लेटर आता है, एक लिस्ट आती है उस लेटर के साथ में, तो वो लेटर आपको यहाँ पे लगाना है और उसका अनेक्जर नंबर भी डालेंगे। और क्योंकि ऊपर पहले भी आप डाल चुके हैं इसको अनेक्जर को, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस दिन आपका प्रमोशन हुआ, वो डेट होगी कि जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे अपनी रीडरशिप के लिए या आपके एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए, वो डेट आप डालेंगे। इसके बाद असेसमेंट पीरियड लिखना है, मैं आपको बता चुकी हूँ आपका असेसमेंट पीरियड, आप जिस दिन एसोसिएट हुए उस दिन से लेकर 3 साल का समय आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टाइम रहेगा वो रहेगा 20 जुलाई 2013 से लेकर के 19 जुलाई 2016, एक दिन कम। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई आपको रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं करना है, लेकिन अगर इस बीच में आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई वर्कशॉप अटेंड करी है तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं सर्टिफिकेट को, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन जो भी आप कागज़ लगाएंगे उसका अनेक्जर नंबर और पेज नंबर आपको जरूर लिखना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ अवार्ड ऑफ PhD डिग्री, तो ये डेट वो है जो कि आपकी डिग्री पर लिखी हुई है। डिग्री में नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेट लिखी होती है, या फिर अगर आपके पास जो EC हुई है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है जब PhD वाइवा होता है उसके बाद जो भी EC होती है उसकी डेट अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री में अगर आपने MPhil किया है तो MPhil की डिग्री पे जो आपकी डेट है आप वो डालेंगे, और PhD है तो PhD की डिग्री पर जो डेट है आप वो डालेंगे, और साथ ही यहाँ पे आप अनेक्जर नंबर जो भी आपका अनेक्जर नंबर आता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आता है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हम लोगों के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं था, इतना मैंडेटरी नहीं था, तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट विल बी गवर्न बाय द हाई स्कूल सर्टिफिकेट, और प्लेस जो भी आपको ज्ञात हो आप लिख सकते हैं, डेट आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट से यहाँ पे आप लिख देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे अपना प्लेस डाल दीजिए और यहाँ पे आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट का अनेक्शन नंबर डाल दीजिए। तो जब हम अटैचमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं तो जो मेरा तरीका है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इस फॉर्म को मैं 3 पार्ट्स में मानती हूँ, पार्ट 1 जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर पार्ट 2 में मैं मानती हूँ कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो, और पार्ट 3 में मानती हूँ जो हमारा रिसर्च का जितना भी हमारा काम है वो, मैं उसको पार्ट 3 मानती हूँ अपने फॉर्म में। तो मैं जो अनेक्जर नंबर डालती हूँ मैं पार्ट 1 का डालूंगी रोमन में कैपिटल I, दैट इज़ फॉर फर्स्ट, उसको स्लैश, उसके बाद मैं 1, 2, 3, 4 अपने 1 के ले लूँगी, पार्ट 1 के ले लूँगी,
फिर जहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ का आएगा, उसको मैं इसी तरीके से कैपिटल में 2 ले लूँगी, सेकेंड मतलब डबल आई स्लैश, फिर 1 से स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद जब रिसर्च की बात आएगी तो मैं इसी तरीके से ट्रिपल आई स्लैश एंड 1 से स्टार्ट करती हूँ। बट ये मेरा अपना तरीका है, आपका जैसे सहूलियत हो आप वैसे कीजिए। जो मैं अनेक्शर्स लगाती हूँ तो मैं एकेडमिक रिकॉर्ड से स्टार्ट करती हूँ अपने। पहले नंबर पे मैं हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाती हूँ, उसके बाद अप टू MSc मैंने अपने सारे लगाए हैं, इसके बाद मैंने अपना नेट, क्योंकि मेरा पहले हुआ था, PhD बाद में हुई थी, तो उसके बाद मैंने अपना नेट का सर्टिफिकेट लगाया है, और लास्ट में मैंने अपनी PhD की डिग्री लगाई है। उसके बाद मैं अपना सर्विस रिकॉर्ड लगाती हूँ, स्टार्टिंग विद लेटर जो आयोग से हमें नियुक्ति पत्र मिला था, उसके बाद जो कॉलेज के सेक्रेटरी से मिला था, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला था, 3 ये लेटर्स हो गए अपॉइंटमेंट लेटर्स, उसके बाद जॉइनिंग रिपोर्ट, इसके बाद कंफर्मेशन लेटर, इसके बाद जो मेरे प्रमोशन के लेटर्स हैं मैं वो लगाती हूँ। पर ये मेरा तरीका है, आपको जैसे सहूलियत हो आप लोग वैसे लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि एनेक्जर नंबर आपका जो यहाँ आप लिख रहे हैं वो मैच करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं 18th पॉइंट पे, दैट इज द सेक्स। मेल है तो मेल लगाएंगे को टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल को टिक करेंगे, नेशनैलिटी इंडियन, एंड अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे उसको अपनी कैटेगरी लिख दीजिए, और साथ ही यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा और उसका अनेक्जर नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं पोस्टल एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे और पिन कोड डालेंगे, एंड उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, वॉट एवर एड्रेस यू हैव आप वहाँ पे वो एड्रेस लिख देंगे। नाउ कमिंग टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे देखिए अनेक्शन नंबर एंड पेज नंबर आपको सब डालना है, जहाँ से जहाँ तक आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड आता है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डालना है, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, फिर आपकी क्या डिविजन थी वो आपको लिखना है, आपके सब्जेक्ट्स लिखने हैं, और अगर कोई रैंक या रिमार्क आप देना चाहते हैं यहाँ पे तो लिख दीजिए, अगर कोई फर्स्ट रैंक आई है या कुछ आई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, बिना सर्टिफिकेट या बिना कागज के कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्च डिग्री पे, अगर आप MPhil होल्डर हैं तो आप अपनी थीसिस का टाइटल लिखेंगे, देन डेट ऑफ अवार्ड लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, PhD होल्डर हैं तो सेम, DSc या DLit होल्डर हैं तो सेम टाइटल, डेट ऑफ अवार्ड एंड यूनिवर्सिटी, एंड अनेक्जर नंबर एंड पेज नंबर का ध्यान रखना है। फिर अगर आप नेट स्लेट या गेट वगैरह जो भी कोई एग्जाम अगर आपने कर रखा है तो आप उसका नेम ऑफ टेस्टिंग, नेम ऑफ टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी का, जैसे हमारा नेट था तो CSIR UGC नेट था, तो हम उसका टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी जो थी CSIR UGC ये लिख देंगे, मंथ एंड ईयर मेरा June 1999 का था तो वो लिख देंगे, आपका जो भी रोल नंबर था वो लिख देंगे, जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर हुए थे वो लिख देंगे, और अगर जैसे गेट में स्कोर होता है तो अगर आपका स्कोर है कोई तो वो लिख देंगे, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो NA लिख करके उसको छोड़ देंगे, बट एनेक्जर नंबर और पेज नंबर हमको जरूर डाल। फिर सर्विस रिकॉर्ड की बात आती है, तो यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर्विस रिकॉर्ड तो केवल उन्हीं को लिखना होगा जिनका ट्रांसफर हुआ है, बट ऐसा नहीं है, आपके जो भी प्रमोशंस होते हैं दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड, तो सीरियल नंबर 1 पे आप डालेंगे कि आपने किस पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद आप कॉलेज का नाम डालेंगे, आपकी ज्वाइनिंग डेट डालेंगे, लीविंग में आप डेट चाहें तो डाल दें, और जो भी आपकी फर्स्ट प्रमोशन की डेट थी, ना चाहें तो आप कंटिन्यूड लिख दें, यहाँ पर डेट ना डाल के आप यहाँ पे लिख दें कंटिन्यूड, और जो भी आपका यहाँ पर पे स्केल था जब आपने ज्वाइन किया था वो आपको डालना है, रीजन ऑफ लीविंग में आप लिखेंगे प्रोमोटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर लेक्चरर, वॉट एवर जो भी आपका आता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर कोई आपका मेजर अचीवमेंट है इस दौरान तो वो आप डाल देंगे, लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट या अनेक्शर आपको लगाना पड़ेगा। देन सेकेंड नंबर पे जब आप सीनियर लेक्चरर हो गए या असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 2 हो गए वो लिखेंगे, उसके बाद कॉलेज तो हमारा सेम ही चलेगा, अगर ट्रांसफर हुआ है दैट इज अ डिफरेंट मैटर,
उसके बाद ज्वाइनिंग जो आपकी डेट ऑफ प्रमोशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लीविंग में अगेन यू कैन कंटिन्यू एंड इसके बाद रीजन ऑफ लीविंग आपका हो जाएगा प्रमोटेड टू जो भी नेक्स्ट लेवल आपका है। तो इसी तरीके से आपको अब तक का अपना पूरा भरना है। जो आप एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे कंटिन्यूड, रीजन ऑफ लीविंग में कुछ नहीं आपको लिखना है। देन पीरियड और एक्सपीरियंस, पीरियड ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ये पीजी क्लासेस और यूजी क्लासेस का आपको ईयर्स में लिखना है। अगर आपके 20 साल 9 महीने 10 महीने हुए हैं तो भी वो 10 महीने आप छोड़ दीजिए, आप केवल 20 साल लिखेंगे। इसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस, इसमें जो आपकी पीएचडी के दौरान का जो टाइम है वो आप यहाँ पे नहीं लिखना है, उसके अलावा उसके बाद का जो टाइम है वो आप लिखेंगे। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर आपके सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है तो वो, जैसे हमारी डिग्री पर मेंशनड है पैरासाइटोलॉजी, अगर आपकी डिग्री पे एमएससी की या एमए की मेंशनड है या एलएलएम की डिग्री पर मेंशनड है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपको साइन करने है, अपना नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है एसोसिएट प्रोफेसर। चलिए अब इस पे पार्ट टू पे आते हैं। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट पीरियड लिख देंगे फ्रॉम इतना टू इतना एंड स्टेज आप लिख देंगे स्टेज 13A2 एकेडमिक 13A2 एकेडमिक लेवल 14 या स्टेज 4 to 5। अब यहाँ पे मैंने केवल स्टेज 4 का ही लिया है तो जो भी प्रूफ है आपके आप इनके यहाँ पे पेज नंबर लगा दें, कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल 13A। तो जो आपका प्रमोशन लेटर है उसका प्रूफ आप उसका पेज नंबर या एनेक्जा नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। पीएचडी डिग्री का प्रूफ नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपका जो रिसर्च पेपर्स है मिनिमम 10 पब्लिकेशन मांग रहे हैं तो वो उनका अनेक्जा नंबर यहाँ पे मतलब पेज नंबर अनेक्जा नंबर एंड पेज नंबर दोनों लिखना है आपको। और इसके बाद है अ मिनिमम ऑफ 110 रिसर्च स्कोर एज पर अपेंडिक्स 2 टेबल 2, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे जाके। और सीएएस प्रमोशन के लिए गुड स्कोर होना चाहिए तो ये अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ गया कैटेगरी 1 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है बहुत से लोगों का, अब पुराना रिकॉर्ड याद नहीं रहता है, असेसमेंट पीरियड तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 साल का जो भी आपका असेसमेंट पीरियड है और एकेडमिक ईयर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपका एकेडमिक ईयर आता है। और असेसमेंट पीरियड के लिए आपको करना ये है कि जो भी क्लर्क हमारे असाइंड हैं जो हमारा लीव रिकॉर्ड रखते हैं आप उनके पास जाके आप अपना असेसमेंट पीरियड का आप लीव रिकॉर्ड आप ले आइए, उसके अनुसार उसको आप 180 डेज में से आप अपनी छुट्टियां माइनस करके और सिंपली आपको परसेंटेज निकालनी है। अगर आपने साल में 5 छुट्टियां ली हैं तो व्हाट यू कैन हैव टू डू इज कि 180 में से 5 माइनस करके 175 आएगा और 175 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है ये आपका 97.22% आ जाएगा। तो आप अपनी क्लासेस लिख दीजिए 97.22%। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है क्योंकि इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये है कि कायदा जो कहता है वो ये कहता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप अपने टाइम टेबल में देख लीजिए कि जिस दिन आपने छुट्टी ली है उस दिन क्या दिन पड़ रहा था और कितनी क्लासेस आपकी सफ़र हुई और नंबर ऑफ क्लासेस असाइंड में से आपने टोटल कितनी ली वो देख, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो वी विल स्टिक बाय द सिंपल प्रोसेस एज फॉर नाउ, लेकिन आगे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो टीचिंग डेज यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से कैलकुलेट हुए हैं ये पेज नंबर 95 पर है हमारे गजट में। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए 30 वीक्स रखें अगर 6 डेज अ वीक का पैटर्न फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो यहाँ पे 30 वीक्स रखे हैं। एडमिशन एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन के लिए 12 हफ्ते रखे हैं, वेकेशंस के लिए 8 हफ्ते रखे हैं, पब्लिक हॉलीडेज के लिए 2 हफ्ते रखे हैं। ये है यूनिवर्सिटी में। कॉलेजेस में क्या है कि 30 वीक्स टीचिंग के लिए हैं, 10 हफ्ते एडमिशन एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स के लिए हैं, वेकेशंस यहाँ पे 10 हफ्ते की हैं, पब्लिक हॉलीडेज 2 हफ्ते की पर हो जाती हैं, तो टोटल इस तरीके से 52 वीक्स आ गए। तो ये 180 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 180 डेज। तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा टीचिंग डेज।
अब सेकेंड पार्ट जो आता है इसमें इन्वॉल्वमेंट इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड रिसर्च एक्टिविटीज। अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जैसे कि हेड या चेयरपर्सन या डीन डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर वार्डन एक्सेट्रा, तो कॉलेज की किसी भी कमेटी में अगर आप मेंबर भी रहे हैं तो वो आपको लिखना है ईयर अकॉर्डिंग टू द ईयर, आप 1, 2, 3 डाल के कि अगर आप कल्चरल कमेटी में रहे हैं या आप प्रोक्टोरियल बोर्ड में रहे हैं, वुमेन सेल में रहे हैं और बहुत सारी कमेटीज हैं, तो वो आप यहाँ पे 1, 2, 3 करके डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको अनेक्शन नंबर पेज नंबर सबका डालना है। फिर एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ड्यूटीज इन्विजिलेशन ड्यूटी सभी लोग करते हैं, कुछ लोग एज इन्विजिलेटर्स करते हैं, कुछ कंट्रोलिंग स्टाफ में रहते हैं, ASSS रहते हैं या प्रोक्टोर फ्लाइंग स्क्वाड में रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना यहाँ पे लिख दीजिए इन्विजिलेशन या वॉट एवर ड्यूटीज यू हैव डन। और उसके बाद इवेल्युएशन का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। पेपर सेटिंग का भी आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, जो आपने पेपर बनाए हैं उनको उनकी लिस्ट बना करके आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग इट फॉरवर्डेड बाय द प्रिंसिपल, और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट 2-3 दिन में मिल जाएगा। उसके अलावा है स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर या एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लब्स हैं, करियर काउंसलिंग है, स्टडी विजिट्स अगर कराते हैं स्टूडेंट्स को तो, या स्टूडेंट के सेमिनार होते हैं, या स्टूडेंट सेमिनार होते हैं तो ये सब ले सकते हैं आप यहाँ पे। कल्चरल कमिटी या कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो वो ले सकते हैं। और अगर आपने कोई सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करी है तो उसका ब्रोशर अगर आपके पास है तो उसमें आपका नाम है उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो वो आप लगा सकते हैं। आप अगर PhD स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं तो उस दौरान तो आप उनके रजिस्ट्रेशन लेटर्स, उनका नंबर नाम लिख के उनके रजिस्ट्रेशन लेटर्स आप लगा दीजिए। मेजर माइनर प्रोजेक्ट है तो उसका आपको सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जितने भी हैं इनका सर्टिफिकेट लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक एप्लीकेशन पे ईयर वाइज आपको मेंशन करेगा करना पड़ेगा कि आप किस कमेटी में कौन से साल में थे, और एप्लीकेशन को आप परसर से साइन करा के यू कैन गिव इट टू द डीलिंग क्लर्क एंड ही विल गिव यू द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, और आप उसका अनेक्शन नंबर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद है एटलीस्ट वन सिंगल और जॉइंट पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्ट ऑफ जर्नल्स। तो यहाँ पे ईयर वाइज आपके कितने पब्लिकेशंस हैं उनका नंबर लिख दीजिए, और यहाँ पे आप अनेक्शन नंबर और पेज नंबर डाल दीजिए जो भी आपका अटैचमेंट का नंबर आता है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस दौरान कैटेगरी 1 और 2 जो इसमें आई है, इस दौरान अगर कोई टीचर किसी लंबी छुट्टी पर है, जैसे कि मैटरनिटी लीव है या चाइल्ड केयर लीव है, स्टडी लीव है, मेडिकल लीव है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, या डेप्यूटेशन पे गए हैं, तो सपोज कीजिए कोई लेडी जो है 2 महीने की चाइल्ड केयर लीव पर गई, तो जितने दिन की उनको चाइल्ड केयर लीव सेंक्शन हुई है, पहली चीज़ तो आपको अपना सेंक्शन लेटर संभाल के रखना है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। मान लीजिए आपको 60 डेज की 60 दिन की आपको चाइल्ड केयर लीव आपको सेंक्शन हुई है, तो आप क्या करेंगे कि 180 डेज में से वो 60 दिन आप माइनस कर देंगे तो आपके पास रह जाएंगे 120 दिन। तो आपको जो अपना ये पीछे का जो कैलकुलेशन करना है ये आपको उन 120 दिन के हिसाब से करना है। आपको आपके 180 दिन में से वो 60 दिन आपके सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, तो उसका आपके प्रमोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं कैटेगरी 3 पर जो कि एकेडमिक या रिसर्च एक्टिविटी है। तो इसमें सबसे पहला है, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो आपको 110 पॉइंट जुटाने हैं वो आपको इसमें 6 सब कैटेगरीज हैं, तो उसमें से आपको कम से कम 3 कैटेगरीज में से वो पॉइंट उठाने हैं। तो इन 3 में सबसे पहली कैटेगरी है हमारी रिसर्च पेपर्स की। तो रिसर्च पेपर्स जो कि जर्नल्स वगैरह में छपे हैं उसमें सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, जर्नल का नाम डालना है, UGC केयर लिस्ट का या UGC नंबर डालें, अगर नहीं है तो आप लिख दीजिए पीयर रिव्यूड, क्योंकि जो हमारा असेसमेंट पीरियड बहुत पहले का है तो वहाँ पे UGC लिस्ट का कोई नंबर था नहीं, तो आप पीयर रिव्यूड लिख दीजिए। ईयर आप लिखेंगे, फिर आपके जर्नल का ISSN नंबर लिखेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर केवल थॉमसन रूटर्स का मान्य होगा, अगर आप थॉमसन रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका आपको प्रूफ दिखाना होगा। अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपका जो है
इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि आप फर्स्ट ऑथर हैं या प्रिंसिपल ऑथर हैं या कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं या मेंटर ऑथर हैं। मेंटर इज द सुपरवाइजर। ये आप किस प्रकार के ऑथर हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। आप एपीआई स्कोर, अब रिसर्च पेपर्स का जो स्कोर है एज पर अपेंडिक्स टू टेबल टू, जो पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स हैं उनमें साइंस फैकल्टी के लिए ये है 8 अंक आपको मिलेंगे यहाँ पर, और जबकि ह्यूमैनिटीज के लिए, लॉ के लिए, बाकी सब के लिए, कॉमर्स के लिए यहाँ पे 10 है। केवल साइंस को 8 नंबर मिल रहे हैं और बाकी सबको 10 नंबर मिल रहे हैं। ये बेसिक स्कोर है। अब इस बेसिक स्कोर का क्या मतलब है कि अगर आपका पीयर रिव्यूड जर्नल है या यूजीसी लिस्टेड जर्नल है, तो अगर उसमें आपका केवल रेफरीड जर्नल है जिसमें कि इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, मतलब थॉमसन रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, तो आप अपना जो बेसिक स्कोर है उसमें 5 अंक आप ऐड कर दीजिए। अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम 1 से कम है तो आप, जैसे हमारा 8 है तो हम उसमें 10 अंक ऐड कर देंगे। अगर पेपर में इम्पैक्ट फैक्टर 1 से 2 है तो आप 8+15 करेंगे। अगर इम्पैक्ट फैक्टर 2 से 5 है तो 8+20 करेंगे। अगर इम्पैक्ट फैक्टर 5 और 10 के बीच में है तो आप 8+25 करेंगे, और इम्पैक्ट फैक्टर अगर 10 से ज़्यादा है तो आप 30 पॉइंट आप अपने बेसिक स्कोर में ऐड कर देंगे। ये सेम है ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों के लिए, ये सेम है। तो बेसिक पॉइंट्स प्लस दिस पॉइंट, तो मिनिमम हमको 5 नंबर तो हमको और मिल ही रहे हैं। तो साइंस का एक स्कोर हो जाता है 13 और बाकी सबका हो जाता है 15। अगर आप सोलो ऑथर हैं, मतलब आप अकेले ऑथर हैं, तो आपको ये अंक 13 या 15 आपको पूरे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ को ऑथर्स हैं, तो अगर केवल दो ही ऑथर हैं टोटल, आप और एक और साथी आपका, तो आप दोनों को 70% अंक मिलेंगे। साइंस के केस में ये अंक जो है ये 9.1 होंगे, और ह्यूमैनिटीज वगैरह के केस में ये हो जाएंगे 10.5, 10.5, 70%। अगर दो से अधिक हैं, तो अगर आप प्रिंसिपल ऑथर हैं तो आपको अगेन 70% मिल रहे हैं सेम स्कोर। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑथर नहीं हैं या कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं हैं, तो उस केस में आपको 30% अंक मिलेंगे, जो कि है 3.9, 3.9 या 4.5। तो वो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। ये सारा पेज नंबर 105, 106 पर ये वाला टेबल है। आप इसको स्टडी करके आप अपना स्कोर और आप अपने पेपर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अनेक्शन नंबर, जब आप पेपर लगा रहे हैं तो आप गाइडलाइन के अनुसार जो जो आपको लगाना है, सबसे पहले आपको अपना जर्नल जो है जिसमें आपका पेपर छपा है उसका, उस इशू का कवर पेज आपको लगाना है, उस इशू के कंटेंट्स आपको लगाने हैं, और आपको अपना पेपर पूरा लगाना है। अब बहुत से पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन छपे हैं। अगर ऑनलाइन छपे हैं तो आप अपनी उस जर्नल की वेबसाइट पे जाकर के आप उसके आर्काइव सेक्शन में जाएंगे और आपको कंटेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसके ऊपर पूरा ISSN नंबर वगैरह सब कुछ आता है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसकी कॉपी लगा दीजिए और उसमें आप अपना पेपर जो है कंटेंट लिस्ट, चाहे आप फोटोकॉपी कर रहे हैं इस जर्नल में से या आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप अपने पेपर को उसमें हाईलाइट कर दीजिए। इतना आपको करना होगा। यहाँ पे पेज नंबर और अनेक्जर नंबर और जो आप एपीआई स्कोर क्लेम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट है पब्लिकेशन। इसमें आते हैं बुक्स या चैप्टर्स इन बुक्स। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद टाइटल आपको लिखना है, पब्लिशर का नाम लिखेंगे, फिर वो नेशनल है या इंटरनेशनल है वो लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, ISBN नंबर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स कितने हैं वो लिखेंगे। अगर आप मेन ऑथर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। API स्कोर जो आप क्लेम कर रहे हैं, अब इसमें अगर आपकी इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ बुक है तो उसके आपको अंक मिलेंगे 12 दोनों केसेस में। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है साइंस और आर्ट्स का। अगर इंटरनेशनल पब्लिशर है तो 12, नेशनल है तो 10। अगर चैप्टर आपका एडिटेड बुक में है तो एक चैप्टर के आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप किसी इंटरनेशनल पब्लिशर की किताब के एडिटर हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप किसी नेशनल पब्लिशर की किताब के एडिटर हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन 70, अगर दो ऑथर हैं तो 70, और अगर दो से 70% दोनों को मिल जाएंगे। अकेले हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे।
दो हैं तो 70-70 दोनों को मिलेंगे, और अगर दो से अधिक हैं तो जो पहले ऑथर जिनका नाम पहला है वो पहले ऑथर को मिल जाएगा, उसको 70% अंक मिल जाएंगे, और जिनका नाम बाद में है उनको 30-30% मार्क्स से संतोष करना पड़ेगा, तो तीन तीन नंबर उनको मिल जाएंगे। तो जो भी आप एपीआई स्कोर क्लेम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए एनेक्शन नंबर, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको अपनी बुक का कवर पेज लगाना है, उसके बाद उसके अंदर का जो जैकेट कवर होता है उसमें जहाँ पे आईएसबीएन नंबर होता है वो आपको लगाना है, और आपको अपनी बुक का कंटेंट वाले सारे पेज की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। इसके बाद ट्रांसलेशन वर्क अगर किसी ने करा है इंडियन या फॉरेन लैंग्वेजेस में, अगर किसी ने करा है प्रोसेस इज द सेम, तो ट्रांसलेशन वर्क के लिए चैप्टर या रिसर्च पेपर का ट्रांसलेशन करा है तो उसके लिए 3 अंक मिलते हैं, और अगर बुक का आपने ट्रांसलेशन किया है तो आपको 8 अंक मिलते हैं। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पीडेगॉजी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पीडेगॉजी, अगर आपने कुछ नया बनाया है, कोई चीज़ बनाई है, तो आपको नाम देना है, हाइपरलिंक देना है, और इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। एपीआई स्कोर क्लेम्ड आपको लिखना है, अनेक्शन नंबर डालना है और पेज नंबर डालना है। तो हाइपरलिंक और पेज नंबर इसमें इस वजह से डालना है कि आपका जो भी लिस्ट है पूरी की पूरी आप एक पेज पर टाइप कर दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए और एक अलग पेज पे भी टाइप करके फिर वो पेज नंबर आप यहाँ पे लगा दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, नेम ऑफ द न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, हाइपरलिंक ऑफ करिकुला एंड कोर्स। तो इसमें जो लोग कमिटी में रहे हैं, जो सिलेबस डिसाइडिंग कमिटी होती है, तो ये उन लोगों के लिए है। इसमें 2 मार्क्स हैं पर करिकुला या कोर्स, तो ये आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और उसका जो भी वेबसाइट पे पढ़ा होगा तो उसका नया उसका हाइपरलिंक या यूआरएल आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मूक, अगर आपने कोई मूक्स आपने डेवलप किया है और उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपका उसमें कोई एनिमेशन हो गया, आपके उसमें क्विज हो गई, और कोई भी आपका टेस्टिंग मॉड्यूल हो गया, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो मूक्स के लिए जो आपको मार्क्स, एक तो आपको उसका हाइपरलिंक देना है, और मूक्स में आपको 20 मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, आपको इसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको अनेक्शन नंबर और पेज नंबर, मतलब यू हैव टू, जब उसका आप हाइपरलिंक डालेंगे मूक्स का जो हो चुका है या करवा रहे हैं आप, और उसके बाद आप उसको अनेक्शन नंबर और पेज नंबर, मीन्स वी नीड अ प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। देन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, ई कंटेंट या ई बुक, इसके 12 मार्क्स हैं अगर आपने पूरा ई कंटेंट 4 क्वाड्रेंट्स में डेवलप किया है किसी एक कंप्लीट कोर्स के लिए, या आपने कोई ई बुक बनाई है किसी कंप्लीट कोर्स के लिए, तो उसके 12 मार्क्स हैं। एक अगर आपने 4 क्वाड्रेंट्स में किया है, तो अगर आपने 4 में से कोई एक क्वाड्रेंट किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं पर मॉड्यूल, और अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कंप्लीट कोर्स और पेपर, तो आपको हर एक आपके चैप्टर के या जो भी आपने ई कंटेंट बनाया है उसके आपको 2 अंक मिलते हैं। अगर आप पूरी ई कंटेंट के आप एडिटर हैं किसी पेपर या ई बुक के, तो आपको 10 अंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिसर्च गाइडेंस पे। रिसर्च गाइडेंस में जो नंबर एनरोल्ड है आपके उस असेसमेंट पीरियड के दौरान, आपको उनका नाम और उनका जो रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप लिख दीजिए। अगर पीएचडी डिग्री अवार्डेड है तो आप एपीआई स्कोर जो आप क्लेम कर रहे हैं वो होगा 10, और अगर पीएचडी थीसिस सबमिटेड है तो वो अंक है 5, और एमफिल या पीजी डिजर्टेशन जैसे एलएलएम में डिजर्टेशन होती है उसके हैं 2 अंक,
और इसका आपको लेटर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे एनेक्सर में लगाएंगे एंड उसका पेज नंबर लिखेंगे। देन रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपके कंप्लीट हुआ है कोई इस ड्यूरेशन में, तो टाइटल आपको लिखना है, फंडिंग एजेंसी लिखनी है, पीरियड कितने समय से कितने समय तक का था और आपकी ग्रांट कितनी थी। अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट 10 लाख से ज़्यादा का था तो उसके आपको 5 अंक मिलेंगे, और अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से कम था तो उसके आपको, सॉरी, रिसर्च प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए हैं अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा था तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 10 लाख से कम का था तो आपको 5 अंक मिलेंगे। और अगर आपका कोई नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि ऑन गोइंग है, तो इसमें आपको अगर 10 लाख से ज़्यादा का है तो 5 अंक मिलेंगे, और अगर आपका 10 लाख से कम है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आपका कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको 3 अंक मिलते हैं, और अगर कोई पेटेंट में अगर आपका पेटेंट आगे आएगा तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको जो प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेटर है वो लगाना है आपको, और उसके बाद आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगाने हैं, और जो आप फाइनल रिपोर्ट एक भेजते हैं उसका कवरिंग नोट आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो आपने सबमिट करा है, और रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग में जो सैंक्शन लेटर है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में आपको 3 अंक मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपका टाइटल, फंडिंग एजेंसी और किस पीरियड में है, ग्रांट आपको लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे एनेक्जर्स में आप उसका जो सैंक्शन लेटर है वो आपको लगाना है, मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एंड इनवाइटेड लेक्चर्स में, इन दोनों को मिलाकर आप 30 पॉइंट से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्या फॉर्म, इसके बाद आपने जो भी एपीआई स्कोर क्लेम किया है, टोटल आपको हर कैटेगरी का, रिसर्च पेपर्स का, बुक्स का, ट्रांसलेशन, वॉट एवर फील्ड आप कवर कर रहे हैं, उनका जो टोटल एपीआई है वो आप यहाँ पे अपना लिख दीजिए, फिर उसका पूरे का टोटल कर दीजिए, फिर यहाँ पे आईक्यूएसी कर देगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, ये बाद का काम है। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद कोई चीज़ छूट गई है फॉर्म में जो आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, हर चीज़ का प्रूफ आपको लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आ जाती है आपकी लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, जिसमें आप सीरियल नंबर शुरू करेंगे और एनक्लोजर की डिटेल लिखेंगे कि क्या एनक्लोजर है, एनेक्जर नंबर डालेंगे, पेज नंबर डालेंगे। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा, जिसमें आपका साइन होगा, नाम होगा और डेजिग्नेशन होगा, और इसके बाद लास्ट में प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर होंगे। आई होप ये कुछ जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। Thanks for watching.